नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारिया टाइम्स न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कुछ ही घंटों बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगी राम मंदिर पर एक अहम ऐतिहासिक फैसला। जी हां, सुबह 10:30 बजे आएगा देश की सर्वोच्च न्यायालय का देश का सबसे ऐतिहासिक फैसला, 400 वर्ष पुराना फैसला जिस पर पूरे देश की निगाह है। आज वक्त आ गया है कि देश के हर देशवासी को कोर्ट के इस सबसे पवित्र फैसले को सिर झुकाकर आदर से स्वीकार करना चाहिए। वहीं इस ऐतिहासिक फैसले में ना किसी की हार है और ना किसी की जीत। बस यह सोचकर हम सभी को इस फैसले को का आदर करना होगा। वहीं अगर हम प्रदेश के मुखिया की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शांति से खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में शहर, नगर, कस्बे, गांव पूरी तरह से सुरक्षा कवच में बना दिया और साथ में लोगों को जागरूक भी किया। अगर हम ललितपुर जिले की बात करें तो डीएम योगेश कुमार शुक्ला व एसपी कैप्टन एमएम बेग पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। वहीं उन्होंने जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस के पुख्ता व इंतजाम। तालबेट तहसील में एसडीएम मोहम्मद कमर, सीओ देवेंद्र सिंह व कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने की बात करें तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने से लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। तो वहीं कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि रात्रि में नगर की सड़कों पर गश्त लगातार चलता रहेगा। वहीं सुबह के वक्त भी नगर की सड़कों पर व क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं राम मंदिर के इस अहम फैसले पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार मिश्रा ने सदर विधायक राम रतन कुशवाहा से बात की। आइए सुनते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ललितपुर जनपद के सभी जनपद वासियों को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राम मंदिर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आए वो एक सर्वमान्य आदेश है और हम सभी को उसको मानना है। किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ना तो हमें हतोत्साहित होना है और ना ही अति उत्साह में आकर के किसी तरह का भव्य कार्यक्रम करना है। निर्णय कोर्ट का है, कोर्ट के आदेश का सम्मान करना भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और एक अच्छे नागरिक के नाते सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें और कहीं भी शांति व्यवस्था भंग ना होने दें। शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और कहीं भी अनावश्यक रूप से हम लोग भीड़ न लगाएं, ना ही इस संबंध में अनावश्यक किसी तरह के किसी धर्म विशेष के प्रति अनर्गल प्रलाप करें। मेरा सभी से यही अनुरोध है। हमारे देश में 70 वर्ष पुराना ऐतिहासिक संवेदनशील राम जन्मभूमि विवाद का फैसला आने वाला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। सुबह 10:30 बजे फैसला आ जाएगा। राम जन्मभूमि विवाद जो अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और बरसों से इस पर बहस होती आ रही है, ऐसे फैसला आने के बाद हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, झगड़े ना हो। हमारा देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी भाषाओं को समान महत्व और समान स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे में मेरी अपील है समस्त देशवासियों से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला हमें सुनाता है उसको हम सहजता के साथ, सद्भाव के साथ अपने जीवन में स्वीकार करें, जीवन में उतारें।
एवं किसी भी प्रकार की अफवाहों से हम बचें। समाज में हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए धैर्य का परिचय दें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम एक भाव से स्वीकार करें, यही मेरी आप सभी से अपील है और विनती है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सद्भावना को और शांति को बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।